समय मैं हूँ मॉल रोड मनाली में, और अभी समय हुआ है रात के 11:30, और अभी भी यहाँ पर इतनी भीड़ है। ये देखिए, रात को मार्केट अभी भी खुली हुई है और बढ़िया नज़ारा है देखने लायक। कभी भी आओ मनाली तो माल रोड पर ज़रूर घूमना। सेल्फी स्टिक नहीं है इसलिए हाथ से पकड़ करके वीडियो बना रहा हूँ। वन विहार में आ चुका हूँ इस वक्त, वन विहार कुल्लू मनाली। यहाँ पर कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पर आओ, एक दो घंटे बिताओ आराम से, शांति से कुछ खेलो कूदो एक्टिविटीज़ करो, बस यही है यहाँ पर। और पहले से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर साधन उपलब्ध है, पहले कम थे अब काफ़ी ज़्यादा है। बोट राइडिंग हो रही है नीचे पानी में, हमें इस वक्त ऊपर की तरफ। कुल्लू मनाली में आप सभी का स्वागत है। हम हैं इस बार वन विहार में। आप जब भी मनाली आओ तो वन विहार ज़रूर जाना, क्योंकि अगर आपने वन विहार को मिस कर दिया तो हो सकता है आपका मनाली आना बेकार रहा हो, या जो भी आप समझो, क्योंकि वन विहार आओ और एक दो घंटे बिता करके रिलैक्स करो। रिलैक्सिंग पॉइंट है और कुछ एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। बोटिंग राइड नीचे हो रही है पानी, बहुत अच्छा वातावरण है, ठंडक है, धूप निकली हुई है लेकिन पेड़ों की छाया है, और भीड़ धीरे धीरे बढ़ने पर है, और शाम के टाइम यहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग रोहतांग के लिए निकले होंगे घूमने के लिए। ये अभी भीड़ कम है, जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी भीड़ भी बढ़ती चली जाएगी। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पर, फ्रेश वायु आ रही है, ठंडी ठंडी हवा है, ये समझो जैसे एयर कंडीशनर लगा, एयर तरह तरह की हो रही है। और खाने के लिए भी एक फूड स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर खाने की सुविधा उपलब्ध है, जैसे पाव भाजी, बटर पाव भाजी, ये चीज़ लिखा हुआ है। कुछ केले भी टक रहे हैं, शायद मैंगो शेक वगैरह मिलते होंगे यहाँ पर, या जूस की। टिकट के बारे में बता दूँ, एंट्री टिकट 30 रुपये है वन विहार की, हैंडीकैप का कोई चार्ज नहीं है, 30 रुपये प्रति व्यक्ति एंट्री चार्ज है, और बच्चों के लिए शायद 10 रुपये प्रति बच्चा। मिस्टर जितेंद्र कुमार मनाली के वन विहार में नीचे उतरते हुए ऐसा इसने मेरे से बोला कि ऐसा बोलना, लेकिन वास्तव में ये मनाली के वन विहार में ही है। देखो ऊपर चीड़ के पेड़, ये देखो बस यार। ये जितेंद्र कुमार जी जाति है इनकी जी, एससी से बिलोंग करते हैं। गौर से देखिए इस शख्स को, ये है जितेंद्र कुमार। इंगे को राजा इंगे कर कतई पीछे खड़ा होगा जैसे रास्ता देंगे। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे ऐसे ही, भगवान करे गिर जावे। लाइव वीडियो बनेगी, गिरते स्लो मोशन में। यहाँ पर बोटिंग राइड हो रही है, ये देखिए, इसकी टिकट अलग से है, इतने रुपए टिकट है वो पता नहीं, जैसे पता लगेगी तो बता दूंगा। अभी मैं ऊपर से आया हूँ, काफ़ी ऊपर से आपको दिखा दूँ, तो पीछे जो सीढ़ियाँ लगी हुई है, दूसरी वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मैं यहाँ से आया हूँ, तो दूसरी वाली वीडियो में धर्मेंद्र ने शूट की है, काफ़ी अच्छी शूट की है वीडियो।
यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग राइड कर रहे हैं। टिकट काउंटर वहाँ पर है। यहाँ ये महिला खड़ी है, टिकट काउंटर यहाँ पर है। जन्नत या स्वर्ग देखना हो तो मनाली में आए, हिमाचल प्रदेश में आए, पहाड़ों में घूमें, पता चलेगा कि जन्नत क्या होती है। मेरे पीछे जो आप ये हाईवे देख रहे हो, पहले यहाँ हाईवे नहीं था। पहले यहाँ पर व्यास नदी हुआ करती थी, बिल्कुल पास में ही नहीं, लेकिन अब उस नदी को, दूसरी वो नदी का जो हिस्सा था उसको घेरने के बाद में यहाँ पर बाईपास बना दिया गया है। जो गाड़ियाँ पहले मनाली के मेरे सामने वाले सिरे से मनाली में, मनाली बस अड्डे के पास से होकर लेह लद्दाख या फिर रोहतांग की ओर जाया करती थी, उनके लिए यहाँ मनाली से 2 किलोमीटर पहले ही बाईपास बना दिया गया है। और यह वही बाईपास है, डबल रोड है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जाम इतना है। आप देख सकते पीछे बहुत सारी गाड़ियां अभी भी जाम में खड़ी हुई है। बस यही बताना था। आए रे कितना जाम।